भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सबके सामने आई है। खबर है कि आने वाले 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की संकल्प रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों के बीच एक युवक ने वहां बम विस्फोट की धमकी व्हाट्सएप पर वायरल कर दी। युवक को पुलिस एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान पटना के दरियारपुर गोला निवासी उदयराम के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल 4 दिनों पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज वायरल हुआ था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि गांधी मैदान में आयोजित रैली में बम विस्फोट होगा। जिस ग्रुप में यह मैसेज वायरल किया गया उसके एक सदस्य ने समझदारी दिखाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद तो मानो जैसे हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरे मामले की छानबीन में एटीएस जुट गई। एटीएस ने मैसेज वायरल करने वाले उदय को उसके घर से दबोच लिया। उससे आईबी ने भी पूछताछ की। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की पटना रैली के दौरान सीरियल बम विस्फोट हुए थे। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी। वहां लाखों लोगों की भीड़ थी। रैली के दौरान बस स्टैंड, स्टेशन और सड़कों पर भी भीड़ थी। इस दौरान पटना में जगह जगह सीरियल धमाके हुए थे। 5 धमाके तो गांधी मैदान के आसपास ही हुए थे। रैली में नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। उस घटना को देखते हुए पुलिस इस बार कोई चूक करने के मूड में नहीं थी। इसी का परिणाम था कि धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की है। इस बीच गांधी मैदान की सुरक्षा को और कड़ी कर दिया गया है। जाहिर है एक तरफ दुश्मन देश से तनाव और दूसरी तरफ देश लोकसभा चुनाव के कगार पर है। ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त सियासी खींचतान भी जोरों पर है। एक तरफ जहां एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद सीटें फाइनल नहीं हो पा रही है कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी का बिहार दौरा बिहार की सियासत पर जरूर असर डालेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।